हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की इंग्लिश का 8th चैप्टर जलेबीज। इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आज हम करेंगे थर्ड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक। आई सैट अंडर इट एंड वंडर वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड देन मी इन दिस वर्ल्ड। राइटर जो थे वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए जो कि रेलवे ट्रैक के बगल में था, और वो सोचने लगे, खुद को कोसने लगे कि मेरे से ज़्यादा दुर्भाग्यशाली बच्चा इस दुनिया में नहीं मिलेगा। व्हेन द कॉइंस हैड द फर्स्ट क्रिएटेड रैकेट इन माय पॉकेट द एंटायर मैटर सीम्स सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब पहली बार सिक्कों ने मेरी जेब में खनखनाहट हुई थी, जब रैकेट मींस होता है लाउड नॉइज, मतलब बहुत तेज़ शोर किया था, तब मुझे सारा मैटर समझ जाना चाहिए था, क्योंकि वो इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। ईट चलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। मतलब कि फीस के पैसों से जलेबी, और जलेबी के पैसों से फीस के पैसों से जलेबी, और जो स्कॉलरशिप के मनी है उससे फीस। ऐसा कैसे हो सकता है? आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4 कुड नेवर बी 5। मुझे लगता था 2 और 2 4 होते हैं, 5 तो कभी हो ही नहीं सकते। How was I know that sometimes it added up to 5 as well? ये कैसे नहीं हो सकता कि 2 और 2 5 ना हो? I had known that I would get the scholarship the next month? मुझे कैसे पता होता कि scholarship अगले महीने मिलनी है? I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well. मैं अपना जलेबी खाने का प्रोग्राम भी तो अगले महीने को टाल सकता था। Now for the crime of eating few jalebis for the first time in my life, I was absent from school. पहली बार मैंने जो फीस के पैसे हैं उससे जलेबी जो खाई है उसकी सज़ा ये मिली है कि मैं आज स्कूल में अनुपस्थित था। And crouching in the shade of a tree in a desert corner of the railway station. और मैं दुबका बैठा था, जो डेजर्ट कॉर्नर का मतलब यहाँ पर है सुनसान कॉर्नर पे, जो रेलवे स्टेशन का सबसे सुनसान कॉर्नर था, वहाँ पर पेड़ की छाया में मैं दुबक कर बैठा था। Sitting there under the tree, at first I felt like crying. पहली बार जब मैं वहाँ पर बैठा पेड़ के नीचे, तो बस मुझे लगा मैं रो ही दूंगा। Then I felt like laughing when it struck up that the tears I was shedding were not tears but drop of jalebi syrup. फिर मुझे ये सोचकर हंसी आ गई कि अब मैं जब रोऊंगा तो मेरे आंखों से आंसू नहीं टपकेंगे, मेरे आंखों से तो जलेबी का सिरप बूंद बूंद करके टपकेगा। From the jalebis, my thoughts went to the fees. और फिर जलेबी से मुझे याद आया, मेरा दिमाग फीस की तरफ गया। And from the fees to Master गुलाम मोहम्मद कीन, और फिर फीस से मास्टर गुलाम मोहम्मद की छड़ी की तरफ। And from his cane, I thought of God. और फिर उनकी छड़ी से मुझे तो भगवान याद आ गए। मैंने अपनी आँखें बंद करी और प्रेयर करना शुरू की और कहा, अल्लाह मियाँ, आई एम वेरी गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मुझे आपकी पूरी नमाज रटी हुई है, और लास्ट 10 सूरत जो हैं कुरान के वो तो दिल से रटे हुए हैं। अगर आप चाहो, आई कैन रिसाइट द एंटायर आयत अल कुर्सी, मैं आपके लिए पूरी आयत अल कुर्सी ज़ुबानी सुना दूंगा। द नीड टू बी योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली फीस मनी, और आपके भक्त को केवल फीस के कुछ पैसे ही चाहिए जिससे उसने जलेबियाँ खा ली थी। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, मैं मानता हूँ मुझसे जो है गलती हो गई। I did not eat them all by myself. लेकिन मैंने सारी नहीं खाई। Through I fed them to a whole lot of children too. और मैंने उससे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को भी खिलाया। But yes, it was a mistake. मगर ये मेरी गलती थी, ये मुझे मालूम है। If I did know the scholarship money would be given next month, I would neither have eaten them nor fed them to the others. अगर मुझे मालूम होता कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने आएंगे, तो ना ही मैं खुद खाता और ना ही मैं दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, जस्ट पुट 4 rupees इन माई बैग। आप बस एक काम कर दो, मेरे बैग में 4 rupees रख दो। इफ़ देयर इज़ अ पैसा मोर देन 1 rupees, आई विल बी वेरी डिसप्लीज विद यू। अगर आपने 4 rupees से एक भी पैसा ज़्यादा रखा, एक भी पैसा, तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। आई प्रोमिस इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई मनी अगेन, I let the thief's punishment be my punishment. अगर मैंने आज के बाद कोई भी ऐसी गलती करी या किसी भी फीस के पैसे से दोबारा मिठाई खाई, तो जो चोर की पनिशमेंट होती है वही मेरी पनिशमेंट होगी। सो
ओ अल्लाह मियाँ, जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट, बस एक बार मेरी मदद कर दो। देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनी थिंग योर ट्रेजरी, आपके खजाने में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। इवन अवर चपरासी टेक अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, मेरे यहाँ का तो चपरासी भी बहुत सारे पैसे ले जाता है। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम अ नेफ्यू ऑफ बिग ऑफिसर, मैं तो बड़े ऑफिसर का भतीजा हूँ, तो फिर मुझे तो मिल ही सकते हैं 4 रुपये, क्या आप मुझे 4 रुपये नहीं दोगे? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर नमाज, रिसाइटेड 10 सूरत, आयतल कुर्सी, कलमाए तैयब, इन फैक्ट एवरी थिंग दैट आई रिमेंबर। आफ्टर प्रेयर, मैंने प्रेयर के बाद ये सब किया जो मुझे याद था। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, और उसके बाद मैंने हाथ मसल के बैग पे, जैसे जादू करते हैं ना, वैसे छू कर दिया। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज दैट वॉट दे सेड वॉज ओनली टू ट्रू, यानी कि जो उन्होंने कहा है वही सच है। नो वन कैन इरेज दैट फेट हैज़ डिक्रीड, तो कोई भी जो भाग का लिखा होता है वो बदल नहीं सकता, उसे मिटा नहीं सकता। फॉरगेट 4 रुपीज़, देयर वर नॉट इवन 4 पैसा इन माई बैग, 4 रुपये तो भूल जाओ, मेरे जेब, मेरे बैग में 4 पैसे भी नहीं निकले। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक और नोटबुक, बस किताबें थी और कॉपियाँ थी, एक पेंसिल थी, एक शार्पनर था और एक आईडी कार्ड था जो मामू ने मुझे लास्ट ईद पर दिया था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली आई कुड, मुझे ऐसा लग रहा था मैं इतना ज़ोर ज़ोर से रोऊं जितना ज़ोर से मैं रो सकता हूँ। बट देन आई रिमेंबर दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड, फिर मुझे याद आया स्कूल बस ख़त्म होने वाला होगा और बच्चे जो हैं वहाँ से अपने घर को जाएंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ और हारा हुआ, आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू द बाज़ार, मैं वहाँ से उठा और बाज़ार की तरफ चलने लगा। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और इंतज़ार करने लगा कब स्कूल बेल, छुट्टी की जो घंटी है वो बजे, सो दैट वेन द चिल्ड्रेन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद दैम, और जैसे ही बच्चे निकले वैसे ही मैं भी घर चलूँ उनके साथ। इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, यदि वो सीधे स्कूल से जाऊँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर ऐसे ही चला जाऊँगा तो लोग पूछेंगे। आई डिड नॉट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला शॉप, मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं था, बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं जो हूँ जलेबी वाला की दुकान पर ही खड़ा हूँ। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, अचानक हलवाई ने बुलाया, क्यों भाई, शेल आई वे 1 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी, उसने कहा क्या 1 रुपये की जलेबी मैं तोल दूँ, डोंट वॉन्ट जलेबीज टूडे, क्या आज तुम्हें जलेबी नहीं चाहिए? आई फेल्ट लाइक सेइंग आई वॉन्ट ईट योर जलेबीज टूडे, बट उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि मैं नहीं खाऊँगा जलेबी आज, बट आई डिड श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टीड, मगर उसने कहा कि बदले में मैं तुम्हारा आज कलेजा ना भून कर खा जाऊँगा। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, सो आई सिंपली मूव्ड अवे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, तो बस मुझे ऐसा लगा मैं बगैर कुछ बोले अपने घर की तरफ चला जाऊँ। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन फिर मैंने वही सब किया। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, वेंट टू द स्कूल गेट एंड देन टर्नड ऑफ टू द रेलवे स्टेशन, मैंने सुबह यूनिफॉर्म पहनी, घर से निकला, स्कूल गया, स्कूल गेट से मुड़ा और रेलवे स्टेशन पहुँच गया। अंडर द सेम ट्री आई सेट एंड बिगन टू से सेम प्रेयर्स, और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और वही प्रेयर्स सारी फिर से शुरू कर दी और भगवान से दुआ मांगने लगा, प्लीट करने लगा, अल्लाह मियाँ एट लीस्ट गिव मी इट टुडे, मी टुडे, टुडे द सेकेंड डे, आज तो दे दो कम से कम, आज तो दूसरा दिन है। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम, तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है चलिए खेल खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, मैं यहाँ से उस सिग्नल तक जाऊँगा, यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर माई दिस बैग रॉक, बिग रॉक, आप ना चुपचाप इस बड़ी सी रॉक में 4 रुपये रख देना, आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं सिग्नल छूकर वापस आ जाऊँगा, वट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडर बीनीथ, और फिर कितना मज़ा आएगा कि जैसे ही मैं ये रॉक को उठाऊँगा मुझे 4 रुपये मिल जाएंगे। सो आर यू रेडी, फिर आप तैयार हो ना, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल 1 2 3, मैं जा रहा हूँ सिग्नल की तरफ 1 2 3, आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न, और मैं वहाँ सिग्नल तक गया और वापस आया, मुस्कुराया, बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन ये साहस नहीं जुटा पाया कि उस चट्टान को मैं उठा पाऊँ। वट इफ़ द कॉइंस वर नॉट देयर, अगर कहीं वहाँ पे कॉइंस ना हुए तो, बट देन आई थॉट वट इफ देवर, फिर मैंने सोचा अगर नहीं करूँगा तो कैसे पता चलेगा। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक,
और मैंने बिस्मिल्लाह करके उस रॉक को उठाया। द बिग हेयरी वॉर्म गॉट अप, और वहाँ बहुत गंदा सा बालों वाला कीड़ा मिल गया, एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिंकल टुवर्ड्स मी, और वो कर्ल करने लगा, गुड़ी मुड़ी सा हो गया, रिंकल मतलब सिकुड़ने लगा, मेरी तरफ आने लगा। आई स्क्रीम, मैं चिल्लाया, एंड रन अवे, और भाग गया। एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, और एक बार फिर से सिग्नल को छू कर आया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अपने हाथ पाँव पे लड़खड़ाता हुआ, किसी तरह रेंगता हुआ मैं वहाँ पहुँचा पेड़ के पास। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रेट टुवर्ड्स द रॉक, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी नज़र जो है उस रॉक पर ना जाए जहाँ उन्होंने कीड़ा देखा था। बट एज आई पिक माई अप बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव, और जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया और वहाँ से जाने लगा, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, मैंने एक बार फिर रॉक की तरफ देखा। एंड डू यू नो, आपको पता है मैंने क्या देखा? आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कम्फर्टेबली। क्या हुआ कि वो जो मिस्टर वॉर्म थे, जो कीड़े थे, वो आराम से अपने आप को कम्फर्टेबली कॉइल करके मतलब लपेटे हुए बैठे हुए थे और मुझे घूर रहे थे, स्टेरिंग एट मी। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वजू, मैं वहाँ से चला गया ये सोचकर कि कल आऊँगा तो फिर मैं वजू करूँगा और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आऊँगा और फिर सुबह से दोपहर तक मैं नमाज़ पढ़ूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 rupees, आई विल बी फोर्स लर्न टू हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन और मेक डील्स विद हिम, अगर अल्लाह मियाँ फिर भी नहीं माने और उन्होंने मुझे 4 rupees नहीं दिए तो मैं उनसे मतलब फोर्स करूँगा, उनको दबाव डालूंगा और उनसे बार्गेन करूँगा। बार्गेन होता है कोई भी चीज़ किसी भी कीमत की होती है तो उसको कुछ कम पैसे करके खरीदने की, यानी मोल भाव करना। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 rupees देन हु विल, अगर मुझे मेरे अल्लाह मियाँ ही 4 rupees नहीं देंगे तो कौन देगा। दैट डे वेन आई रिटर्न होम, उस दिन जब मैं घर वापस आया, अपरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, स्कूल से नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन से मैं पकड़ा गया। माई रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरे अनुपस्थिति की जो रिपोर्ट थी वो घर पहुँच चुकी थी। इट इज़ यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, और फिर ये चीज़ मुझे छुपाना कि क्या हुआ उसके बाद यूजलेस है। वेल वॉट एवर हैपेंड हैपेंड, जो कुछ हुआ हो गया। बट अप टू द 7th or 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग, लेकिन 7th और 8th स्टैंडर्ड से मैं आश्चर्य में हूँ। इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 rupees दैट डे, वॉट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन, अगर अल्लाह मियाँ मुझे उस दिन 4 rupees भेज देते तो किसी का क्या नुकसान होता, किसी का क्या जाता। इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ अल्लाह मियाँ वर बी प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग देन मैन वुड इवन टूडे बी लिविंग इट्स नेस्ट लाइक वल्चर क्रोज वुड नॉट हैव लर्न टू आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबीज, मतलब पर बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह मियाँ ने अगर ऐसा ना किया होता, हर किसी के मांगने पर अगर वो चीज़ दे देते तो आदमी जो आज जलेबी बनाने की आर्ट सीख पाया है वो नहीं सीख पाता, वो कैसे रहता, जैसे कि बाकी वल्चर और क्रोज जो है ना वो घोंसले बना के रहते हैं। तो ये कहानी का जो है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया, और आपको कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।